500 में आप कल्पना कर सकते हैं 49 नंबर लाकर सानिया परवीन जो गर्ल्स हैं वो है जो स्टडी पॉइंट मैंने जिला में हम बोले तो दूसरे तीसरा पोजीशन लाए हुए ब्लॉक में तो नौतन ब्लॉक में प्रखंड में नंबर वन स्टूडेंट है जो स्टडी पॉइंट से निकले हुए हैं। ताकि इसके अलावा भी लगभग 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट डिवीजन से पास किए हुए हैं, ठीक है ना। अभी जो समान समारोह आयोजित हुआ है तो इस स्टडी पॉइंट इंस्टीट्यूट की तरफ से जो 450 नंबर हमारे यहाँ 400 प्लस की बात अगर हम करें तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो 400 प्लस नंबर लाए हुए हैं। 450 नंबर लाकर सानिया परवीन हम लोगों के साथ यहीं पे खड़ी हुई हैं जिनको साइकिल दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम सागर है और आप देख रहे हैं टार्जन 24 न्यूज। आपको बता दूं जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर मौजूद है सभी को मतलब मेरे दिल से सादर प्रणाम। और सबसे ज्यादा मैं इस स्टडी पॉइंट का जो कि बहुत बहुत आभार हूँ कि हमारे जैसे एक छोटे से रिपोर्टर के लिए जो कि यहाँ पर हमको बुलाए, मेरे को दिल से बहुत बहुत तहे दिल से सभी शिक्षकों को मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा अपना परिचय आप सभी को देने का प्रयास करेंगे क्योंकि अगर मेरा परिचय आप सभी नहीं जानेंगे तो मेरा क्वालिटी क्या है, अगर आपका परिचय हम नहीं जानेंगे तो ये स्टडी पॉइंट का क्वालिटी क्या है ये हमको पता नहीं चलेगा। तो बता दूं कि मेरा नाम प्रेम सागर सिंह है, अभी समझिए कि मेरा ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से चल रहा है और साथ में एक सोशल मीडिया का जो कि मैं अपना एक न्यूज पोर्टल चलाता हूँ जिसका नाम है टार्जन 24 न्यूज। तो हमको इस स्टडी में आने का मेन मकसद और यहाँ पर आने का जान पहचान कैसे हुआ, सबसे पहले हम इन सर से जानने का प्रयास करेंगे। तो दो शब्द हमारे टार्जन 24 न्यूज के लिए आप बोलिए। मैं टार्जन 24 न्यूज को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बहुमूल्य समय निकालकर न्यूज रिकवर करने का प्रयास किया। प्रेम सागर सिंह जी एक अच्छे मित्र हैं हमारे और कल मैं इनको सूचना दिया था कि आप आकर यहाँ न्यूज रिकवर कीजिएगा। यह यूट्यूब चैनल है टार्जन 24 और मैं इनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने आकर न्यूज रिकवर किया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी हम स्टडी पॉइंट में मौजूद हैं और जो कि बहुत अच्छे जो कि शिक्षक हैं और तमाम यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं सभी लोग स्टडी पॉइंट को आगे बढ़ाने के लिए समझिए कि अपने जी जान लगा चुके हैं और जिसका नतीजा है कि आज स्टडी पॉइंट वैसे जो कि सिवान जिला में ऐसा जो कि स्टडी बढ़ चुका है कि यहाँ पर तमाम जो आप बच्चे देख रहे हैं सभी कोई टॉपर किया है तो कोई सेकंड टॉपर किया है, कोई मतलब कि अपना अपना पहचान अपने मार्क्स लाकर बना मतलब बता दिया है। तो आइए हम यहाँ के कुछ बच्चे हैं, सबसे पहले हम इनसे एक एक करके पर्चे लेने का प्रयास करते हैं और मतलब कि कैसे कैसे मार्क्स लाने में इनको क्या क्या परेशानियाँ हुई है तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। अपना नाम बताइए, कौन से क्लास के आप स्टूडेंट हैं? आपका हाइएस्ट नंबर कितना है? 380 लाने में आपको कितना कठिन परिश्रम करना पड़ा? हम लगभग 6 घंटे तक पढ़ाई करते थे और सभी शिक्षकों ने हमें रोज बताया करते थे कि हम अच्छे से पढ़ें, कैसे पढ़ें, सब हमारे टीचरों का ही योगदान है। तो अभी समझे कि आप उन बच्चों को मतलब क्या सीख देना चाहेगी जो कि समझे कि 300 नंबर लाए या 300 जो उससे नजदीक जो कि उससे कम नंबर लाए उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कैसा पढ़ाई करनी चाहिए? सबसे जरूरी है कि वो शिक्षकों का बात माने और काफी अच्छे से घर में भी घर के लोगों का भी बात माने, आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा लोगों का योगदान है और हम आगे भी स्टूडेंटों को कहेंगे कि वो यहीं तक ही नहीं वो बिहार टॉपर भी करें हमारे कोचिंग के बच्चे कि इस एरिया का भी नाम हो, इस स्टडी पॉइंट इंस्टीट्यूट का काफ़ी अच्छा है हमारा नाम हो पटना में भी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो कि बच्ची कितना अच्छा नंबर लाई है और सभी जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं उनसे नम्र निवेदन है कि आप ऐसा ही जो कि प्रयास करिए और अच्छा नंबर लाइए।
बताइए अपने सिवान जिला का जो कि नाम रोशन करिए। आपको बता दें कि यहाँ पर दूसरी लड़की है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं और स्टडी पॉइंट से क्या क्या इनाम रखा गया है वो हम पीछे जो सर आपको दिखाई दे रहे हैं कैमरे में समझे उन लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि जो टॉपर आए हैं उनके लिए क्या इनाम रखा गया, जो सेकंड टॉपर है उनके लिए क्या इनाम रखा गया। तो एक एक करके पहले हम पर्चे ले लेते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अपना नाम बता दीजिए, कौन सा क्लास आपका चल रहा है, कितना नंबर आया है आपका? 372 नंबर आया। 372 नंबर लाने में अभी क्या परेशानी आपको हुई कि उससे ज्यादा नंबर न आए? अच्छा, घर पर काम था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो गांव के लड़कियां होती है बहुत मेहनती होती है, अपने घर का काम छोड़ के समझिए कि 372 नंबर लाई है। इसके लिए हम अपने चैनल के माध्यम से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देने का प्रयास करेंगे। अभी तक मतलब इसको टॉपर बच्चे आए हैं, इन लोगों के लिए क्या क्या मतलब इनाम रखा गया है? और मैं इस कोचिंग संस्था का सीएमटी मतलब चीफ मेडिकल डायरेक्टर हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि जो बच्चे मतलब आर्थिक स्थिति का आगे नहीं पढ़ पाएंगे उनके लिए हमारा कोचिंग बिल्कुल जहाँ तक पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। दूसरा, इनाम रखने का एक ही मकसद है कि जो इसके पीछे जो बच्चे हैं उनका मनोबल बढ़ाना है। और सबसे बड़ा पूरा हमारा सबसे बड़ा इस बात इस कोचिंग का ये संदेश है कि मैथ में जो हमारी यहाँ की लड़की है पूरे सिवान में पूरा बिहार में 100 में 100 लाई है। ये मैथमेटिक्स के लिए बहुत बड़ा योगदान है और उस लड़की को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जो हम लोग के गाइडलाइन के द्वारा जो बताया गया उस रास्ते पर चली। टीचर हो चाहे कोई भी मैनेजमेंट हो, सिर्फ हम लोग रास्ता बताएंगे और उस रास्ता पर जो हुए स्टूडेंट चलेगा और निश्चित ही कामयाबी को हासिल करेगा। और टेंथ और ट्वेल्थ रिजल्ट आया है, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई बंद हो गया है। पढ़ाई आगे कैसे करना है क्या करना है इसके बाद ही चालू होता है कि किस सेक्टर में जाना है आपको। साइंस के सेक्टर में जाना है, अगर साइंस से जो ट्वेल्थ कर चुके हैं बायोलॉजी में है तो डॉक्टर के सेक्टर में जाएंगे या इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे। अभी हमारे जो स्टूडेंट हैं मैं उनको कहूँगा कि आगे अपना एक लक्ष्य बनाइए और उस पर काम कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। और जो भी कठिनाई आता है हमेशा स्टडी पॉइंट सदैव आपको 24 आवर सेवा के लिए तत्पर है। धन्यवाद। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो कि बहुत चर्चित जो कि बहुत बुजुर्ग और जो हमारे साथ बैजनाथ सर हैं, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि स्टडी पॉइंट में इतना जो कि लड़के अच्छा नंबर लाए हैं इसका जो कि श्रेय इनके पास जाता है। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये बहुत शुरू से ही काफ़ी मेहनत किए हैं और मेहनत के साथ आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। इसी उद्देश्य से कि हमारे गांव द्वार का विकास हो और यहाँ से भी अच्छे अच्छे दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा सर। जाते जाते जो कि और सारा दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग स्टडी पॉइंट में है और स्टडी पॉइंट के जो कि डायरेक्टर साहब है आइए हम इनसे मिलवाने का प्रयास करें। सर अपना नाम बताइए। डायरेक्टर ऑफ स्टडी पॉइंट, ये जो स्टडी पॉइंट है विगत 10 वर्षों से चलाया जा रहा है, हर साल जो है 30 संख्या से अच्छे मार्क्स से स्टूडेंट पास करते हैं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ के जो कमजोर छात्र हैं वो लोग भी मेहनत करके आगे पढ़ाई करें और अपने एम को प्राप्त करें। यहाँ ही नहीं पटना दिल्ली कहीं भी जाना हो तो हम लोग कोचिंग से जो संबंधित कोचिंग है पटना में मैथ कैंपस जो PR VK भाषा पढ़ाते हैं वो भी जो है पंजाब सर के द्वारा ही पढ़ाए, हम लोग भी पंजाब सर के द्वारा पढ़ाए। हमारे घर जितने भी पोस्टेड हैं जैसे डॉक्टर है इंजीनियर है जो भी है सब वो पंजाब सर के पढ़ाए हैं, तो उनके बदौलत हम लोग शिक्षा लेकर और हम लोग भी लड़कों को शिक्षा दे रहे हैं। तो सर है इनाम एक बात बताइए जो स्टडी पॉइंट को इतना जो कि खड़ा लंबा समय तक चलाने के लिए आपको कितना कठिन परिश्रम करना पड़ा? जिसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा, हमको रात दिन एक करना पड़ा, रात दिन में अपना पोस्टर अकेले में जाकर चिपकाता था अपने एरिया में वो भी साइकिल से और चिपका कर उसके बाद जो भी लड़के मुलाकात हम उससे बोलते थे आइए मेरे यहाँ पढ़िए, क्योंकि मेरे पढ़िए उसके बाद देखिए धीरे धीरे करते करते बोले लड़के जो है अच्छा करते गए और मेरा नाम होता गया। सर अपना नाम बता दीजिए और अभी ये स्टडी पॉइंट में आप कौन सा पढ़ेगा?
तो अभी स्टडी पॉइंट में आप आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है जो कि इतना अच्छा जो कि बच्चे नंबर लाए हैं? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मेरे टीचर है, सब बच्चों को गाइड करते हैं कि यहाँ अच्छे से मार्क पढ़ाई की और मैं यहाँ पे जो भी अपना मार्क्स करते हैं बहुत सारे बच्चे जो अच्छी रैंक लाए हैं यहाँ पे, ये सब लोग का गाइडेंस है कि लोगों ने अपना बहुमूल्य समय देकर बच्चियों को इतना मार्क्स लाने में बहुत अपना नाम बताया। आप कौन से है जो कि विषय के टीचर? मैं अभी क्लास 10 में हिंदी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी का शिक्षक हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो भी बच्चे यहाँ पे टॉपर हुए हैं, फर्स्ट हुए हैं, सेकंड हुए हैं, उन्होंने अच्छा अंक प्राप्त किया। क्योंकि आप देख ही चुके देख रहे हैं कि आज के सोसाइटी में अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो जैसे कि अभी आपने सुना भी था हमारे सर लोगों को कि पासपोर्ट बनाए और विदेश जाने की तैयारी कर, तो इन्होंने सिर्फ एक मार्ग दिखाया है उन सारे बच्चों के लिए जो अभी पढ़ रहे हैं ताकि वो पढ़े, पढ़ाई करें और इस प्रकार नाम रोशन करें हमारे सोसाइटी का, हमारे राज्य का और साथ ही हमारे इस इंस्टीट्यूट का। और मैं उन सारे बच्चों से अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि जो बच्चे असक्षम हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, जो पढ़ना चाहते हैं, वो आए हमसे मिले। हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारे जो डायरेक्टर हैं, वो खुले दिल से उन सारे बच्चों को आने के लिए आमंत्रित करते हैं जिनके पास पैसा ना हो। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ से अगर उनको दिल्ली पढ़नी हो, पटना जाना हो, कोई खास तैयारी करनी हो तो उसके लिए भी सहायता करने के लिए हमारे जो सेफ्टी और जो हमारे डायरेक्टर हैं वो तैयार हैं। बस बच्चों को आना है और पढ़ना, लेकिन सच्ची नीयत से पढ़ना। अभी ये स्टडी पॉइंट इतना मेहनत करके जो कि इतना जो बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन आगे चलते स्टडी पॉइंट को कहाँ तक लेकर जाना है आप? देखिए मैं पहले बताऊँ कि जाहिद अहमद हमारे अंकल भी हैं और जब उन्होंने ये संस्था चालू की थी वाकई में जैसे उन्होंने बताया कि अकेले के दम पर, आज तो आपको बहुत सारे फैसिलिटी मिल रहे, बहुत सारे फैकल्टी नजर आ रहे हैं, टीचर्स नजर आ रहे हैं, जब इन्होंने स्टडी पॉइंट आरंभ किया था तो सबसे पहले अकेले थे और अकेले ही पोस्टर साटे, अकेले बैच चलाए 9-10 का, और उस समय के बैच से लेकर आज पूरे 8-10 साल की मेहनत से आज ये आपको पूरी एक स्टडी पॉइंट की परिवार आप देख सकते हो जिसमें 7-8 टीचर काम करते हैं, इतने सारे बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। और मैं लास्ट सेशन में भी कहा था कि मैं इस इंस्टीट्यूट को, यानी हमारे जो डायरेक्टर है जो सीएमडी है, इस इंस्टीट्यूट को उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं एकदम कम फीस, कालाबाजारी के जमाने में भी कम फीस में भी, कि यहाँ आने वाले समय में स्मार्ट क्लास की सुविधा दे सके। आप हमारे साथ बने रहिएगा सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सूर्य प्रताप पासवान है और मैं सीवान जिले का आने के बगल में सबसे बेहतरीन कोई कोचिंग सेंटर है वो है स्टडी पॉइंट। और मैं यहाँ इंग्लिश का टीचर हूँ, बहुत शानदार इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और मैं बता दूँ आपको कि अभी सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के न्यूज़ को कवर करने आए हैं। और ये न्यूज़ आप देखिए, और जो बच्चे टॉपर हैं इन बच्चों को आप रिपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बड़े अच्छे चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं ये भी खबर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी बच्चे वो हमारे साथ जुड़े, हमारे स्टडी पॉइंट के साथ जुड़े, क्योंकि हमारे स्टडी पॉइंट में हर एक सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट टीचर मिलेंगे, एक्सपर्ट मिलेंगे, हो सकता है आपको यूनिक भी मिलेंगे, आपको यहाँ मिलेंगे सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर, बायो के लिए अलग टीचर, इंग्लिश के लिए मैं खुद हूँ और मैथ के लिए अलग टीचर, हर तरह के टीचर मिलेंगे अलग अलग अपने अपने फील्ड के भाव में मास्टर चाहेंगे। तो आप सुनिए हमारे स्टडी पॉइंट के साथ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जो सब जाते जाते अभी जो बच्चे अभी यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आगे अच्छा से पढ़ाई करें और इनका जो टारगेट है, देखिए जीवन में लक्ष्य जब तक आप प्राप्त नहीं कीजिएगा आपको चैन नहीं मिलेगा। यदि आपके पास लक्ष्य है तो उसको प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम कीजिए और इंटर के बाद आप आगे की भी पढ़ाई जारी रखें, ये ना कि इंटर कर लिए तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिए और छोड़ दें, ऐसा नहीं, आगे पढ़ाई कीजिए, इसलिए कि आगे पढ़िएगा तभी क्षेत्र का नाम रोशन होगा, कोचिंग का नाम रोशन होगा,
और आपके फैमिली का भी नाम रोशन होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो तमाम आप स्टडी पॉइंट के जो भी टीचर थे, जो भी यहाँ के जो भी आदरणीय जो भी शिक्षक थे, वो बहुत जो कि अच्छा से रिपोर्ट किया। और आइए जो कि श्रीकांत सर है, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये तमाम जगह पर जो कि अपना कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ाते हैं। और यहाँ पर सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। आज बड़ी हर्ष की बात है कि स्टडी पॉइंट में क्लास 12 और 10th के टॉपर्सों का के बीच समान समारोह आयोजित किया गया है। और यहाँ पर लगभग काफ़ी संख्या में हमारे छात्र छात्राएँ आए हुए हैं। और ये बता दें कि हम सभी इस सफलता में, विद्यार्थियों की सफलता में शिक्षकों का सफलता भी समाहित होता है। और ये सफलता स्टडी पॉइंट के जो टीचर्स हैं, डायरेक्टर हैं, CMD सर हैं, हम लोग एक टीम की भावना से काम करते हैं। एक टीम की भावना में ये पूरा छात्र छात्राएँ, स्टडी पॉइंट के टीचर्स, डायरेक्टर, CMD सर, ये एक टीम है, एक परिवार है। और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अपने क्षेत्र के तमाम इधर के जो लगभग 20-25 गांव के बच्चे आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं, उनको हम पटना और कोटा के जैसे, टाउन के जैसे अच्छे से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। और उनको शिक्षित ही नहीं, एक संस्कारी और जिम्मेवार नागरिक भी समाज को सौंप सकें, इसका कल्पना करते हैं। अभी हम सभी के पास 450 नंबर 500 में आप कल्पना कर सकते हैं, 450 नंबर लाकर सानिया परवीन जो गर्ल्स हैं, वह हैं जो स्टडी पॉइंट मैंने जिला में हम बोले तो दूसरा या तीसरा पोजीशन लाया हुआ है, ब्लॉक में तो नौतन ब्लॉक में प्रखंड में नंबर 1 स्टूडेंट हैं जो स्टडी पॉइंट से निकले हुए हैं। ताकि इसके अलावा भी लगभग 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट डिवीजन से पास किए हुए हैं। सर हम आपको 2 मिनट रोकने का प्रयास करेंगे। तमाम ऐसे बच्चे हैं जो कि नंबर अच्छा लेकर आ जाते हैं, सब कुछ अच्छा लेकर आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मंच पर जब बुलाया जाता है तो उनको जो बोलने का जो कि अंदर से मतलब कि जो हेजिटेशन होता है, तो इसका कैसे सुधार? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बात किया। आपने कहा कि सफलता तो उनको मिल जाती है, लेकिन अगर उनको समाज में कहीं बोलना है या अपनी बातों को रखना है तो वो हेजिटेट हो जाते हैं, अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। इसके लिए हम लोग भी अब काम करेंगे ताकि बच्चे हम लोगों से 10th में आके जुड़ते हैं या 11th में आके जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं निचली स्तर से कमियां हैं, उनको स्कूल स्तर पर मंच दिया जाए, उनसे बुलवाया जाए, इसका प्रैक्टिस किया जाए, तो निश्चित रूप से अपने बातों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। इसके साथ ही अभी जो समान समारोह आयोजित हुआ है, तो इस स्टडी पॉइंट इंस्टीट्यूट की तरफ से जो 450 नंबर हमारे यहाँ 400+ की बात अगर हम करें तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो 400+ नंबर लाए हुए हैं। 450 नंबर लाकर सानिया परवीन हम लोगों के साथ यहीं पर खड़ी हुई हैं, जिनको साइकिल दिया जाएगा। और बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 90+ 450 मार्क्स 500 में हम लोग आसानी से दे दे रहे हैं। लेकिन आगे से जो अब हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें, तो हम बच्चों से कहेंगे कि आप 95% मार्क्स लेकर आइए, क्योंकि 90% तो स्टडी पॉइंट मार्क्स दे रहा है। हमारे यहाँ फर्स्ट डिवीजन की नहीं, टॉपर्स की बात होती है और हमारे इंस्टीट्यूशंस को टॉपर्स चॉइस करते हैं। सुने हैं कि स्टडी पॉइंट अगले साल अगर जो बच्चा जो कि अच्छा नंबर लाता है, 95 लाता है, चाहे इससे भी ज्यादा नंबर लाता है, तो उनको स्कूटी दिया जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है। और CMD सर ने, डायरेक्टर सर ने और हम सभी शिक्षकों ने यह राय मशविरा करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 90% तो हम लोग मार्क्स दे दे रहे हैं, यानी 500 में 450 मार्क्स तो हम लोग दे ही रहे हैं। अब फर्स्ट डिवीजन की हम लोग बात नहीं करते, हम लोग टॉपर्स बनाने की बात करते हैं। तो इसके बाद मैंने 90% 450 नंबर देना हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग कोशिश करें कि 95% मार्क्स दें और इस स्टडी पॉइंट से और सिवान जिले से टॉप 10 बिहार बोर्ड लिस्ट बनाए, तो उस टॉप 10 बिहार बोर्ड के लिस्ट में स्टडी पॉइंट और इस स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर से स्कूटी लेकर जाइए। इसके लिए हम सब अपने CMD सर, डायरेक्टर सर को दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, हम उन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और आप हमारे